आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, उसका रीज़न यही है कि आप ठीक से नींद नहीं ले रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं। अगर आपको कोई एलर्जी है, इसकी वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तेज़ धूप की वजह से भी आपको ज़्यादातर डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप दोपहर में या मॉर्निंग में सन एक्सपोज हो रहा है, तब आपको क्या करना है, ग्लासेस पहने। थकान की वजह से या फिर और एक रीज़न है कि अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं रात को सोते समय, और फिर जब उठेंगे तब भी आप मोबाइल यूज़ करेंगे, उसकी वजह से भी, लेट नाइट मोबाइल यूज़ करने की वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। आज हम 3 रेमेडी बनाएंगे। ये रेमेडी मैन और वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं आइस के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए। डेफिनेटली आइस के लिए ये तो है ही। एक्चुअली क्या है ना, हमारी स्किन आइस की बहुत ही पतली होती है, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करना ज़रूरी है। और ऊपर से क्या होता है, हम देखभाल तो करते हैं पर जो भी हम केमिकल वाले मेकअप्स यूज़ करते हैं या फिर कोई और भी कुछ क्रीम या वगैरह बाज़ार में केमिकल्स वाले होते हैं, वो यूज़ करने से क्या होता है, वो हमारी स्किन और पतली पतली होती जाती है, और इसकी वजह से हमें डार्क सर्कल जल्दी से दिखाई देते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो अब हमारी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली रेमेडी के लिए चाहिए हमें एक आलू। आलू को हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है पहले, और उसे फिर छील लेना है, और फिर उसमें हम एक कटोरी में रख के उसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमें इतना डालना है कि पूरा का पूरा आलू ना डूब जाना चाहिए उसमें। फिर अब हम इसको डीप फ्रीज में रख देंगे। मैंने ये नाइट में रखा था और मॉर्निंग में मैं अभी इसे निकाल दिया है, और मैं पहले पूरे फेस पे जो बर्फ़ है वो उसे लगा रही हूँ, और फिर मैं अब बाद में बर्फ़ थोड़ा सा पिघल जाने के बाद पोटैटो की हम स्लाइस कर लेंगे। ये ऊपर का भाग मैंने निकाल दिया है, जो पानी कम रह गया था इसके लिए ऐसा हो गया। और फिर अभी ये स्लाइस हम हमारे आइस पे रखेंगे, बहुत ही ठंडा ठंडा लगेगा ये, साथ ही हमारी आइस को कामिंग इफेक्ट देगा और डार्क सर्कल्स को भी दूर करेगा। 10 मिनट्स के लिए उसे आइस पर रखेंगे हम। सेकेंड रेमेडी के लिए मैंने यहाँ पर ठंडा दूध लिया है, और इसमें मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है, और अब कॉटन रोल रहेगी या फिर आपके पास कॉटन का आइस पैड है तो वो भी चलेगा, नहीं है तो फिर मैं कैसे करना है इसे मैं दिखाती हूँ, ये भी चल जाता है। उसे सीजर से आपको काट लेना है और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, और फिर क्या करना है, उसको मिल्क में जो हमने मिक्सचर बनाया है उसमें डिप कर लेना है, और फिर आपको आइस पे रखना है, थोड़ी देर के लिए ही रखना है, और लगभग 10 मिनट्स के लिए आपको उसे आइस पे रख के आराम कर लेना है, और फिर उसे रिमूव करना है, और फिर वही कॉटन पैड्स को आपको वो जो मिल्क का मिक्सचर बचा हुआ है उसे पूरे फेस पे लगा देना है, ड्राई आउट होने देना है, फिर वॉश कर लेना है। अब डार्क सर्कल्स के लिए हम एक क्रीम बनाएंगे, ये हमको नाइट में लगानी है। इसके लिए हम पहले एलोवेरा जेल लेंगे। एलोवेरा जेल स्किन को हाइड्रेट रखता है और स्किन की फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब आलमंड ऑयल लेना है। आलमंड ऑयल डार्क सर्कल्स को यूज करने में हेल्प करता है और हमारे अंडर आई पफिनेस को भी दूर करता है। अब रोज़ वाटर ऐड करेंगे। रोज़ वाटर में विटामिन ए, बी, सी और ई है। ये सारे विटामिन हमारी आइस की स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। विटामिन ई ऑयल एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट गुण होने की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन को दूर करता है और लाइंस और झुर्रियों को भी काफ़ी कम करता है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट जो हमारे डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करने वाले हैं, उसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब एक ग्लास का कंटेनर लेंगे, आपके पास अवेलेबल जो भी खाली पड़ा हो आप वो भी ले सकते हैं, और अभी उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी में बना सकते हैं, ये बाहर रखेंगे तो भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा उसे। अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं।
तो बनके तैयार है हमारी डार्क सर्कल्स की क्रीम जो हम नाइट में यूज़ करेंगे। इस क्रीम को लगाने से पहले आपको पहले फेस वॉश कर लेना है अच्छे से नाइट में, और फिर इसे अपनी रिंग फिंगर से दोनों हाथों से थोड़ा थोड़ा सा लेना है। आपको ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, कम लगे तो फिर आप ले सकते हैं। और अच्छे से मैंने बताया है, इस तरह से आपको थोड़े थोड़े से एकदम लाइट हाथों से ऐसे मसाज करना है, और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में, और फिर आपको सो जाना है। विटामिन सी ऑयल भी यूज़ कर सकती हो नाइट में, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपने स्किन की केयर ऐसे ही करते रहिए।